संतोष जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। मेरे को बहुत पुरानी कब्ज है। मैं दवाई लेती हूँ लेकिन फिर से हो जाती है रोज रोज, और गैस बहुत ज्यादा बनती है और गुदे में दुखी बवासीर है, ठीक है। और उसके बाद पैरों में ऑपरेशन के बाद पैरों में जलन है, और मेरे पैरों नीचे से टखने से नीचे सुन सुनपना सा महसूस होता है मुझे, और टखने के नीचे पैरों में तलवों में पिंडियों में बहुत ज्यादा जलन। मैं सलवार भी नहीं ढुका सकती उसके ऊपर, सोचती हूँ कि ये पैर छिल रहे हैं, जैसे चप्पल जूते नहीं पहन पाई पूरी सर्दियों में मैं। और जी मेरे ये जलन और पैरों में सूनपना तब से है, ऑपरेशन के बाद मेरे इन्फेक्शन हो गया था और वो 3 महीने में ठीक हुआ, उसके बाद से हुआ है जी ये सब। ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कि पैरों में फ्लो कम है, घुटने से नीचे फ्लो कम है, ये बता रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, आपने कोई नुस्खा लिया मेरा बताया हुआ? हाँ जी, ये मैंने आप बता रहे हो ना गोंद किया, ये लेने शुरू किया है अभी। पेट की तकलीफ, एसिडिटी और बवासीर, एक तो सबसे पहले आप मेडिकल स्टोर से आज ही ले लीजिए अरंडी का तेल, कैस्ट्रॉल ऑयल के नाम से मिलता है, सब मेडिकल स्टोर पर मिलता है। एक चम्मच अरंडी का तेल 1 कप गरम दूध में मिलाइए, खूब गरम हो, उसे चुस्कियाँ लेकर पी लीजिए, गरम गरम पी लीजिए। दिन में एक बार कम से कम, या बहुत ही प्रॉब्लम है तो 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम कभी भी, खाने से पहले खाने के बाद ये लेना शुरू कर दीजिए। और ठीक 5 दिन बाद आपको दर्द कम होता जाएगा, ऐसा हमारा अनुभव है। तो 5 दिन तक दर्द की दवा लें, ये रोके नहीं, और बहुत जल्द आपकी कॉल आनी चाहिए कि आपको पूरी तरह फायदा हो गया है। बस 2 बातों का ख्याल रखें, वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, वजन बिल्कुल ना उठाएं, कुछ दिन बस किचन में काम कर सकते हैं आप, जो भी ज़रूरी खड़े खड़े जो किचन होता है ना, उस पर काम कर सकते हैं। दर्द हो रहा है आपको और ज़्यादा हुआ है, ये निशानी है कि जो आप गौंसिया ले रहे हैं वो काम कर रहा है। मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है कि ये गौंसिया लेने वालों को 98% यानी 98% लोगों का दर्द कम होता जाता है, और 2% लोगों का दर्द बढ़ता है फिर कम होता है। तो आपका दर्द बढ़ा है, फिक्र ना करें, लेकिन आप 5 दिन तक दर्द की दवा साथ में लें। जो भी दर्द की दवा आपका फैमिली डॉक्टर आपके लिए सजेस्ट करे, भारी दवा लीजिए, कोई तेज दवा 5 दिन तक इसके साथ में लीजिए, ठीक है? नाव से हैं अनीता शुक्ला जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, पहले आपके संस्था में कॉल किया तो आपने प्रॉब्लम बताई कि हमारी बढ़ रही है सोराइटिस की, मैं 75 से 80% था आराम हो, फिर बढ़ने लगी, नए दाने पड़ने लगे, ठीक है। दर्द पड़े हैं सर में, सर में जाता है, हमारे मुंह में जाता है चेहरे पर, तो उनसे बात की, कह रहे हैं कि जड़ी बूटी लीजिए फिर आपका आराम आएगा, पहला हमारा ये सवाल है। वो ठीक है, ठीक है। आपका जी सवाल तो तकरीबन देखिए, आपने बहुत संयम रखा और मुझे आपकी कॉल याद रहती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं वीवर जिनकी कॉल हम भूल नहीं पाते हैं। मुझे मालूम है कि आपको बहुत कम फायदा था, उसके बाद मैंने आपको कहा थोड़ा संयम रखिए, और फिर मैंने थोड़ी सी दवा चेंज की आपकी, फिर आपको इत्मीनान नहीं हुआ तो फिर मैंने कहा कि ये दवा और साथ में लीजिए, गौन चिलगोजा बताया, फिर आपको 80% फायदा हुआ, ये आपने हमें खुद बताया। अभी जो कैफियत है, मैंने इसका जवाब ये दिया था कि देखिए, वक्ती तौर पर आपको
कोई भी बीमारी हो सकती है, चेहरे पर दाने निकल सकते हैं, बुखार आ सकता है, खून में इन्फेक्शन हो सकता है, और कुछ भी बीमारी हो ये इलाज तो आप चलने दें और अपने डॉक्टर से जो भी बुखार आए तो बुखार की दवा लें, दाने निकल आए तो दाने की दवा लें, ये इलाज तो फिक्स हो गया कि आपको ये लेना है। अब इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसकी एलोपैथिक दवा ले लिया करें, चाहे कोई भी बीमारी हो। जिस नुस्खे ने आपको 80% फायदा दिया था या दिया है वो ऐसे ही चलेगा, और आप एलोपैथ का भी साथ में ले सकते हैं। जब भी आपको जो भी बीमारी रहे आप उस पर पूरी तवज्जो से, अच्छे डॉक्टर से, भगवान से डरने वाले डॉक्टर से आप उसका इलाज ले लिया करें।